राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका अपने चैनल विलेज लाइफ किचन मम्मी स्वागत है। तो अब इस टाइम पे शाम के 3:30 हो चुके हैं, 5 मिनट बाकी, यानी 3:25 हो चुके हैं। दिन है शनिवार और राम रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। बारिश लगातार हो रही है, तो गांव में तो दिक्कत भी हो जाती है। मतलब भाई, जो देखो खेतों से हरा चारा लेकर के आते हैं, कैसे लेकर के आए, जो बाहर गोबर डाल करके आना होता है वो कैसे डाल करके आए। चलो अंदर अंदर खाने पीने का काम तो चल सकता है, बाहर वाले काम तो नहीं चल सकते ना। और भैंसों के बगैर, बाहर जाए बगैर काम नहीं चलता। तो देखते हैं रुकता है या नहीं। और आधे को भी ट्यूशन पे छोड़ करके आना था, इसके पापा भी आए हैं, कपड़े चेंज कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भीगे हुए थे, बारिश में ही आए हैं। और हमारे लिए लेकर के आए हैं समोसे, तो अब समोसे खा लेते हैं। और आधे को रखी थी कि मम्मी पापा से कुछ मंगवा दो, कुछ मंगवा दो। और मैंने बोला तो बोले, पता है तुमने कितनी बारिश आ रही है निकलने का भी जगह नहीं है। और फिर जया ने एकदम से किया ना कि पापा समोसे, फिर इसको ये हुआ कि भाई चलो, लड़के ने पहली बार समोसे बोला तो बेटा बोला जरूर लेके आऊंगा। और ये पन्नी ठाए खड़ा है, डाल दू जरा दिन रुक मार ले बेटा, और आठ को सुन जाएगा है कि माँ। या दीदी, कोई समोसे खा लो आप लोग भी, और चाय मैंने रख दी है, हम चारों खावांगे। पर जे उस टाइम तक, वैसे तो मेरी माँ ने तीली थी पतीला रखा था, मैं सो गई थी तो इस करके उठाई को नहीं। और बस सुबह वीडियो की एडिटिंग की, फिर दो चार फोन मैसेज हुए, सारा दिन हुए चला गया, कुछ चार्ज लगाया है को नहीं है। बाकी काम भी कम खराब, मेरी माँ करे गई थी पहले, मैंने वीडियो एडिटिंग करी उस टाइम तक। उधर रहे थे मम्मी, कल उठाए हैं हम पापा बारिश में। बड़ी अच्छी बारिश आई बेटा, टूट गई दाढ़ी, अंदर रख दे यार, हो जाए ये, और ये तो चल पड़ेगी। दिखाऊं, ये देखो पर्पल कलर के जो फूल हैं वो आए हैं, मरुआ है, ये अजवायन है, और ये गमला बिल्कुल खाली पड़ा था, कुछ नहीं था इसमें, मैंने वैसे ही लगा दी थी, ये दो डाली भर गया है। ये देखो, और ये देखो, ये मेरे चुन्नू मुन्नू बारिश में को नहीं थे, मैंने बारिश में रख दिए। ये चुन्नू मुन्नू कोई अंदर रखा था, कोई बारजे के नीचे रखा था। ये मैंने सबसे अच्छा लगा, ये जो पर्पल कलर का दिखा है ना सामने, क्योंकि एक टहनी लगा हुई टूट गई थी, मेरे पंदर तक लेके आई थी मैं इसकी, ये बीस में वैसे लगा दी, वैसे चल पड़ेगी। सब तो बेस्ट है, यू अच्छा भी लगा है और अलग भी हुआ है सब तो, क्योंकि बाकी का तो कलर लगभग ग्रीन ने हुआ है, तो इसका पर्पल है। और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती, एक डाली तक कितना ही बना लो। हाँ बीज गया खड़ा है, इसने पिटूंगी मैं, ये भीगते नहीं। वो मेरे पास उस दिन कमेंट आए थे कि इसी में बारिश में भीग जाएंगे, खराब हो जाएंगे, तो ये बारजे के नीचे ना, बारजा काफी वो है यहाँ तक, तो ये तो बहुत पीछे रह ले हैं। ये देखो कुछ नहीं भीगता इनका। मेरी माँ ने ड्रेस धो सुखा के, बेटा डाल देना टोकरी में, ये यो हाथ लगा देगा ऐसे वैसे इनका, डाली बेटा एक बारी शुरू में, पहले ये इसके गोपू के कपड़े डाल टोकरी में डाल दे सारे। और ये वैसे सुखा रखे हैं क्योंकि बाहर तो है नहीं जगह, इन्हें इनके हैं बाबू बेटियां के दोनों के। तो ये है ना, मैंने आराध्या के लिए जो फ्रॉक है वो बनवाया था, काफी सारे कमेंट आए उस दिन कि भैया कितने मीटर में बना है और इसका फैब्रिक कौन सा, तो फैब्रिक का तो मुझे भी नहीं पता कौन सा है।
अगर किसी को पता हो तो ना कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो ये देखो इस साइड से ना मतलब ये होते हैं बाल से हैं जो वो है इसके ऊपर, मुझे नहीं पता भाई। और फैब्रिक में बता देती हूँ क्योंकि मैं दोनों का इकट्ठा ही लेकर के आई थी, तो ये व्हाइट मैं अब बढ़ने के लिए दूंगी। 1.5 मीटर है ये, और इसकी ना ये चीज बहुत चौड़ी है, मतलब जो पना वो लग रहा ना वो देखो, तो ये ना मतलब कि 1.5 मीटर है, और 1.5 मीटर ही इसका जो पना है ना वो है, मतलब काफी चौड़ा है, इस करके ये आराम से बन जाएगा इसमें। और ये देखो इसका जो फैब्रिक है ना वो ऐसा है ये वाला, और इसका ये है, ये थोड़ा सा मोटा है और ये पतला है, इसमें से मतलब ऐसे दिखाई देता है। ये देखो ये ऐसे जो अब दिख रहा है ना आप लोगों को, इस तरह से है और ये इस तरह से है, ठीक है। तो ये मैं अब बढ़ना दूंगी, ये और भी ज्यादा हैवी बनेगा क्योंकि इसमें वजन ज्यादा है, इसमें वजन नहीं है। और ये जो दो कुर्तियां हैं ये मुझे ठीक होने के लिए देनी है, ठीक तो कर दी थी लेकिन ये चीज है ना ये इनकी चोरी है, यहां से तो मोटे की जो छटाई है ना वो करनी पड़ेगी तब जाकर के होगी, ठीक है। ये सूट सिलने के लिए देना है, देने तो मुझे मतलब 2-3 सूट और मंगवा रखे लेकिन वो अभी पहुंचे नहीं, तो आएंगे फिर देखी जाएगी उनकी, तो ये तो देना ही है। इस थैला में है ठीक है, दिया ही इन्हें बारिश रुक दे चाहे कल ना, कल ना रुक जाए तो कल ना तो मैं हूँ नहीं, फिर दिए रुका तो गई है बारिश तो के आई गई आई, पेंट में बेड में धर के जाऊंगी बिना अपने खुद के कपड़े करने को छोड़ दी, ये भिड़े भिड़े इसके साए खड़ी है और कुछ है। ये देखो भाई मौसम एकदम से बिगुन कर दिया जमाई, ओहो देखियो जमानू हो रहा है बस ओला बोला सबकी में आज बरस लूं है ना माई, तो जमाई बड़ा मुंडा हो गया एकदम से, इस टाइम पे 6:30 हो रहे हैं और जमानू बादल नू बग रहे हैं। ये चपली बाहर किसने गेर दी, चप्पली तो मैं पहन रही थी, मैं अंदर कर लूंगी, मेरे तो चप्पल जूते भी भीज गया मैं, फिर इतना मी मैं बाहर सुखा दिए थे, मैंने काम कर दिया था आज फिर भेज दिए, तो फिर बाहर जतरा टेक दिया इन्हें, तो मैं गड़ गया सारे सुखाए थे मैंने, तो लाए भी इधर हैं उसमें मेरे क्या मैं उसमें सुखा दी। तो भाई यहाँ पे देखो के बनावा माँ, पूरे बनाऊंगे बे मार्शी माल पूरे पूरे बना दे मम्मी, मैं जरूर बनाऊंगी ये रोटी, और तो सब बना करके मैं भी नहीं खांदा, मैं भी नहीं खांदा, ये बच्चे भी रोटी खा ली ने भी दोनों ने, मैं मां करो पूरे बनाऊं बैठी कर जिसका आ जाओ फालतू पोजमी, मैं करो पोजमी खाए जाइयो, हां क्योंकि ना मौसम ऐसा हो रहा है इसमें ना बस ये चीज खाने मन कर, और पोता तो जरूर डर देगा पूरे तो पहुंच भाई कर जा लस लस करे क्यों खराब ना देख के अजीरी गेर देगा के करे फिर वो के माँ बस का है काला यंदा वो तो इबजे जीरी में भी ले नुकसान नहीं हो जाए, और वर्षा का तो बाड़ी बाजे रहने तो बेचारे मरे गए होंगे, मैं कौन बाड़ी बाजे तो मामा तो ठेकन ले रखा था पानी से, मामा और का तो आई गड़ों भी चढ़े चढ़ाए रहे हैं, इनका डूंगा किला ले रखा है इसमें टूट गया, देखिए बाहर बैठे मामा बाहर ले गया कुर्सी, चाबी क्या की तारा है ये तो होगा, मोटरसाइकिल की चाबी तार ली, ठीक है बेटे मैं तेरे पापा के पास फोन करूं, हाँ खो देगा हटे जाएंगे टोन दे, देख ले इसकी एक्टिंग देख ले, मेरे को तो पापा की जरूरत है, पापा चीज दिलवाते पीछे से, पापा चीज चीज पापा था इनको मैं थोड़ी आता है, ठीक है फिर मेरा तो बेटा है, तू कुकर मेरा तो बेटा है बेटा, हाँ देखो भाई देखो मेरे साथ कितने नासाबी कर रहे हैं, नहीं मेरा तो बेटा है, देखो कितने नासाबी कर रहे हैं मेरे साथ, क्यों रचो मेरे साथ हम तो मम्मी बेटा बस देखो दिखाओ कैमरा मैन,
दे तू कह मम्मी मेरी है, तू कह दे मम्मी मेरी है। ओरे भाई मेरा है, भाई मेरा है। ठीक है ठीक रोवा नहीं की तोड़िए। बात मार के मतलब मेरा ही नहीं है। कोई नहीं, मैं कहूंगी ज्योति ने फोन करके खींच के ले ले बेबे। आटा ना मैं नहीं है, रो चाहे ना रो। ओ काम करवानी है आदमी सब ने बुंडा लग गया करे बेटा, कहनिया सब ने बुंडा लग गया करे, जो करया करे ना वो कवे भी गा, फिर वो सब ने बुंडा लग गएगा। जो मेहनत नहीं करवावागा, जो किसी आदमी खातर कुछ करे नहीं, उसने के बुरा लगेगा। रोना नहीं है, रोए ना कर मड़ा ना। तो छिपकली सी देख ले, यू जाए भी ठीक लगा तेरे तो। हाँ क्या करे, किस दी जावे दिन की दिन। मैं तो सोचू छोरी तोड़ी तोड़ी वो जा सुहसने, तो और किस दी जावे है। काम की तो देखी जागी, थोड़ी रूह की भी तो लगनी चाहिए। मैं सोचू मड़ी सी और हो जाए, मोटी मोटी सी सुथरी लागेगी। मैं इसके ब्याह ही है, मैं इस ब्याह की जब तो इन दूध लड़ेगा इनके भाई, खा ले दूध पी ले, इतना अच्छा लगा यो भी इन्हें। फिर आपके भाई के सारे इकट्ठे रहे एक जगह सारे, राजस्थान गुजरात फिर और परिवार खेत में सारे मेरे लाने मगर सारे के पांच भाई है भतीजे मेरे। ठीक बागड़े शुरू हो जाए। सही है किस्मत वाले आपकी माँ जी वही लग है नहीं वहाँ। और सही बात है, माँ का तो नहीं आ रही। अरे वो दिन मेरे बाग ही नहीं फैले ऐसे रात में इसके विषय इसके दादा लोग यहाँ एक तो बुढ़िया बैठी है, तू तो अगर सीधी सुबह जा पड़ा फिर भी सोचे कर कि कोसा जाओ। अच्छी बात है, अगर नहीं मेरा खम पानी आ गया फिर भी पी हट गया। हाँ सुबह उठे नहीं गया दर्द को बताई ने।
मैं बता गई थी इसने तो मन तो ही ना मैं पूछूं थी इसने संतो ने और मन तो भाई ऐसे ही मैंने क्यों हो गया मैं तने बताया मैं तो मरोड़ी लगी फिर पर ना मन भी नहीं बेरा मन तो अपनी बेरा मां वे वे उस दिन तो फिर अगला दिन घर में ना आंदा ना तो नहीं ठीक रहा अगर तेरी अड़ा कोई नस पट्टी पाओगी मैं नर मरी पाओगी मैं कह देख लिए मैं मेरे घर के भी कहूँ मैं मेरे घर आड़े नस पट्टी कोई ना कोई टेंशन खा ले बहुत ना टेंशन तो मैंने क्या की मैंने क्या की टेंशन नहीं टेंशन ना खा कर क्या की टेंशन देगी मेरी माँ आज मेरे पे एक भी काम बंद करवाया सब दिन हो गए दो दिन ना कभी टोली आप पे कर गई ना वीडियो का काम करा नहीं तो मैं तो सारा निपटा गई और फिर नू एक शाम का मैंने सुमन के साथ करी हुई मन तेरी भी इसकी सोच रही हाँ मैं सही बात है सुमन उन बाप का बस आवेगी अपने तो ये भी आवेगी हाँ ये तो मैं गाड़ी में तो आपका करा हाँ ना करा मैं बैठी हुई हूँ सच्ची सोच है इनकी तो मैं तो उनकी होगी अपने तो ये है सच में तो काम की हो कौन ही ये सारा ठीक हो गया जी ठीक हो गया जी सही बात है भी ना अपनी अपन बेचारे के मारे जाना पड़ा मजबूरी है एक तो छोरा वहां बेचारे का बोल दिया अच्छी बात है हम तो कम ही बोल दिया बोल का है इवाय बात है निका की करवा तो आड़े भी लेंदे चल रुपये तो कि मैंने ये कहे लेंदे हो ले तो ले हो रुपये तुम्हारे उतने ओड़े भी लग देंगे पर इवाय बात है नहीं एक तो देखोड़ा केस होनी भी हाँ उड़ा फर्क पड़ा है बच्चे में इस चीज का फर्क है नहीं मैंने तो बहुत करा बच्चे को लगे भी ये बोल गया था अरे मेरा ना भी पड़ा के करा मजबूरी है ना बाल खतर तो केवी रखड़ा रहना पड़ जे एक बार बता आज रहना पड़े तड़के पड़ेंगे फिर इसका पापा तो नुके दे एक जना जरूर रह अगर जो छोरी जाओगी ना पढ़न चाहे तू रही है भाई अच्छे में रहूंगा बाप को ना कोनी कले छोटा नु कई टाइम में कोनी रह रहा सारे नु करया कराया पानी फेर दे तो अपने खाना पीना करके फिर काकी आ गई थी और फिर हमने गाए थे चार पांच गीत और साथ में फिर बातचीत तो बीच में हुए शुरू हो जाए हैं तो एक क्लिप निकल रही थी तो फिर मैंने सोचा कि चलो ऐड कर दूं क्योंकि कुछ लोग हैं ना मतलब पसंद कर रहे हैं भाई जैसे हम बैठ के बातचीत कर रहे हैं ना उस चीज ने तो इस करके तो चलो भाई इस वीडियो का कर दे हम यहीं पे एंड फिर मिलूंगी कल नए आप नए नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर लाइक जरूर कर दियो वीडियो ने।